मैं बेटी हूँ, बेटी पराया धन। मेरा जन्म तो मैके में हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला ससुराल में होगा। Thank you.
क्या लग रहा है मेरा बेटा? चलो 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 जल्दी चलो। चौधरान की तो चांदी ही चांदी है, घर की लक्ष्मी के साथ साथ तिजोरी की लक्ष्मी भी तो आएगी। आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नहीं। दहेज के हम अगर इतने ही लालची होते तो मुंह खोल के ना मांगे थे। निरंजन के बापू ने तो साफ साफ कह दिया, इच्छा हो तो ही दीजिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें तो बस बहुरानी चाहिए। सुनिए सुनिए जी, दहेज कैसा मिला? ठीक है। माँ, बाबूजी कुछ खुश नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बहुरानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, दीवान साहब है। अरे हाथी मरता है तो भी गधे से ऊंचा रहता है, दहेज में कोई कमी नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन माँ बाबूजी तो वो छोड़ उनकी बात, उनका तो मुँह हमेशा पुरानी घड़ी की तरह लटका रहता है। चल चल बारात आ गई। चौधराइन, अब अगर लाइट भी चली गई ना तो तुहार घर में कभी अंधेरा ना ही होगा। हाँ, फाल्गुनी एकदम ठीक कहती है। बस बस अब कहीं और किसी की नजर ना लग जाए। चलो बहुरानी अंदर चलो। अरे रे रे, ऐसे कैसे जाएगी, पहले द्वार छिकाई देनी पड़ेगी। अरे बहुरानी ये तुम्हारी बड़ी ननद है, दो चार आने दे दो। दो चार आने, मैं क्या भिखारन दिखती हूँ? ओहो, बाद में दे देगी, अभी तो जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में ले लूँ, लेकिन एक शर्त है, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। अरे तो तुम कौन से आसमान के चांद सितारे मांग लोगी? बहुरानी कह दो दे दूंगी। आबे चलो चलो। नजरिया लग जाएगी मेरे बनड़े को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी हरियाले को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को, कोई मत देखो। नजरिया अबे ओ बीच के टिका लगा के रखा है हा? अरे बंद करते रहे नाच गाना, फुट जा से चल। छोटे चौधरी तुम क्या कर रहे हो? अरे हीरे को घर में छोड़कर एक कोयले की संगत में तुहार क्या काम है? अरे अभी अभी तुहार शादी हुई है, सुहागरात भी नहीं हुई है और तुम यहाँ। और ऐसा मत जरा ख्याल रखा करो, नजर लग जाती है बुरी लोगन की। अब चलो घर चलो। अरे बने में तुम भी का गाय को खूंटे से बांध कर खाद चरने को निकल पड़े? हाँ। ऐसी बातें नक्को करो जी, वरना सुहागरात से पहले ही तलाक हो जाएगी। अरे बन्ने मियाँ, तुमने शादी कर ली हो, मुझे बताया भी नहीं। वो छोटे मैं... चौधरी तुम अपनी फिक्र करो, इनकी फिक्र मत करो, चलो। दूल्हे भाई आपको आपा जान बुला रही है। आओ, किसी को हिंदुस्तान बुलाता है, किसी को पाकिस्तान और किसी को कब्रिस्तान, और मेरे को आपा जान। असल में बचपन से ही ये पोट्टा पोट्टी मेरे साथ सोए, मैं ही चिनको पाली, इसके वास्ते हाँ, पाला होंगा ये लोगा तुम्हारे साथ सोया होंगा। ये सब क्या है भाई, चुप। देखो बच्चों, तुम लोगा बड़े हो गए ना, जाकर दूसरे कमरे में सो। अरे रे 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 चुप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यही चीज हो जाना। शब्बो रानी, ये सब के सब कब तक सो जाएंगे भाई? दो तीन घंटे तो जाएंगे।
तब तक मैं इंतजार कर लेता, इंतजार में और भी मजा बढ़ जाता ना, है ना? कौन सी चीज का मजा? चुपचाप सो जाओ। यतीम बच्चे हैं, इन पर रहम कीजिए, रहम करेंगे तो खुदा आपको फल जरूर देगा। कोई बात नहीं शब्बो, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता। सुनो जी, चाय लाई आपके वास्ते। अरे सुबह हो गई। अरे शब्बो, तू रात को जगाई काय को ना आई? बहुत थक गई थी ना जी मैं, इसलिए मैं भी सो गई। मैं सोची कि आप ही जगाएंगे मेरे को। मैं भी तुम्हारा इंतजार करते करते यूं ही सो गया, लेकिन देखो ये बात किसी को बोलो नक्को कि हमारी सुहागरात यूं ही गुजर गई, दोस्तों में बेइज्जती होगी ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गई। कोई तुमसे सुहागरात के बारे में पूछे ना तो सिर्फ हाय बोल देना। सिर्फ हाय बोल दो? हाँ, हाय बोलने से सब काम हो जाएगा। बन्ने मियाँ, अरे ओ बन्ने मियाँ, ये लो कबाब में हड्डा आ गया, हिलता हुआ मर्द होकर औरतों जैसी हरकत करता। अरे ओ बन्ने मियाँ, चौधरी साहब जल्दी से बुला रहे हैं, कह रहे थे कि जिस हाल में भी हो फौरन चले आओ। अबे ओ बेबुनियाद के हिलते हुए ताजमहल, मौत के फरिश्ते की तरह बातें नक्को करो जी, जिस हाल में हो चले आओ। अरे कल की रात हमारी सुहागरात थी, हम बहुत थक गए हैं, हम जरा नहा धोकर फ्रेश होकर आते हैं। मुखिया जी क्या जमाना आ गया है, चिता की लकड़ियां तक महंगी हो गई। जी सेठ जी, सेठ जी राम अवतार मर गया। क्या बेचारा, आ जा ओए, देख क्या रहा है, काम बंद कर। जब कोई मर जाता है तो मेरा दिल भर आता है, फिर मुझसे धंधा नहीं होता। चलिए मुखिया जी चलिए, जबकि असली धंधा तो अब शुरू करेगा ये राम अवतार। हाय तू मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार, पूरे गांव में इस जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं था रे, कोई नहीं था। बार बार एक बात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्जा पूरा करके जाऊंगा चौधरी जी, पूरा करके जाऊंगा। इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और ये मर गया। अब उसकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। एक बात बोलूं भाभी, वो क्या है ना कि, अरे नमस्ते पुजारी जी। आयुष्मान भव। अच्छा हुआ कि आप वकील हैं और भैया की शादी आपसे हो गई, वरना वरना वंदना। शाम हो गई, ये कोई नहाने का वक्त है? चांदनी रात हो तो नहाने में और भी मजा आता है। अच्छा वो बात पूरी कर, ये क्यों अच्छा हुआ कि मेरी शादी तेरे भैया से हो गई? बात ये है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। आप दोनों की शादी हो गई
तो बहुत अच्छा हुआ, वरना पता नहीं कितनी लड़कियां जान दे देती। चीयर्स। आपने नहीं लिया? अरे साईं, थोड़ा थोड़ा पीना अच्छा नहीं लगता। आप लोग और लेंगे? नहीं। तो फिर ठीक है यार। साईं, पहले मैं शराब छूता तक नहीं था। मैंने एक फिल्म भी बनाई, फिल्म का नाम शराबी। उसका कहानी भी ये था कि बाबा शराब मत पियो, मगर वो फिल्म इतनी बुरी तरह फिलाप हुआ कि मैं खुद शराब पीने लग गया। देखो ना, फैक्ट्री बेचना पड़ रहा है, आखिरी कीमत 30 लाख रुपया बस। बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। अगर कहीं से तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो एक हफ्ते के अंदर तुम इनकी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम? अरे साईं, तुम तो इंजीनियर भी है, फैक्ट्री तुम्हारे इलाके में है, तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मेरे से ज्यादा पैसा कमाएगा भाई। ये तो है, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए देगा कौन? देख बेटा, तेरे दहेज में 1,30,000 रुपए का कुल सामान आया है, वो भी खींच खाँच कर जोड़ने से इतना बनता है। तू ही सोच बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ? हम तो ये सोच कर खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा कह रहे थे दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। अरे तुम तो खामखा मुझ पर गर्म हो रही हो। मैंने नहीं, निरंजन ने कहा था, उसको बोलो। अरे निरंजन कोई लाट साहब है जो उसे नहीं बोलूंगी। बोल बेटा, पड़ोसी का घर किराए पर ले लूं दहेज रखने के लिए। अरे बेटा, इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मुंह खोल के रोता नहीं, उसकी माँ तब तक उसे दूध नहीं पिलाती। हाँ, एक बात याद रख ले, तू बाप के कहने पर चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? आएगी इसलिए कि हर बात की जड़ तुम हो। अरे क्या हो गया है? देख बेटे, बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, जरा अकल से काम लेना होगा। समझ लो, ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी, बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो खींचते रहो। देखा माँ, पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। ये मेरा नहीं, चरस पीने वाले तुम्हारे पति का आइडिया है, जिसने तुम्हें बाल्टी बनाकर यहाँ कुएं में लटका दिया और पानी को खींचता रहता है खींचता रहता है। का बहू, मई के जात हो? बहुत सुंदर लग रही, चलो जल्दी चलो। पल्लू ठीक करो, आराम से चलो बहू रानी। हाँ संभल के जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी, याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, मगर आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लो भाभी, अपना ये मांग टीका मुझे दे दो ना। इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे क्या कहती हो कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का, ये उसे वापस दे देगी। अब ले दे के एक ही तो भाभी है बेचारी की, अब तुम ही बताओ ना बहू, तुमसे न मांगे तो और किससे मांगे भला? ठीक है, वापस आकर दे दूंगी। अरे तुम्हारे यहाँ आने तक कौन सी यहाँ बैठी रहेगी, आखिर ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम है कि भाभी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। ये लीजिए। देखा कितनी खुश हो गई बेचारी। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, क्या जच रहा है इस पर, बुरा मत मानना बहू, चाहे जितना भी रोको सही चीज सही जगह पर पहुँच ही जाती है। चल। आओ बेटी आओ। चलती हूँ। बैठो।
अनुजा जी और पूजा दीदी आ गए। छोड़िए ना, आप जल्दी से जाइए। अरे पर तू कहाँ चली? मैं अभी आई। नमस्ते पिताजी। आओ बेटा आओ। आज सुबह से ही छत पर कवा बोले जा रहा था। ये लीजिए पिताजी। अरे इसे खत्म भी करो, क्या इन्हें दरवाजे पे ही रोके रखोगी? अंदर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब जीजा जी कुछ रिश्वत देंगे, यानी द्वार सिकाई। ये लो एक सिक्का, वो भी खोटा, कुछ नहीं चलेगा। अरे ओ जीजा जी, उधर नहीं इधर, यहाँ बैठिए। जीजाजी गिर गए, जीजाजी गिर गए। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बेटे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद कहीं नौकरी करना नहीं चाहा। मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन भी पास करा लिया है। वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। अगर ये काम हो गया तो फैक्ट्री 3-4 महीने में ही शुरू हो जाएगी। फिर तो सारे रुपए 1 साल में ही वापस आ जाएगा। अब कहीं हाथ फैलाने से बेहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे ही बात की जाए। बेटे, आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन जहां तक रुपयों का सवाल है बेटे, इतने रुपए हमारे पास नहीं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से ले लेंगे तो? अब तक सिर्फ इतनी इज्जत बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। बेटे, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो उसे सहारा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता। सारे लोग उसकी लकड़ियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं। फिर आजकल के रिश्तेदार भी तो ऐसे ही है बेटे। निरंजन बाबू, अगर आपको रुपए के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते, मैं 10 लाख दे देती। तो अब शादी कर लेते हैं, लाओ 10 लाख। ना बाबा ना, कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी। दूसरी बीवी तो मैं सबकी हूँ ही। क्यों? अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 लाख रुपए हैं तो दो ना। तौबा कीजिए, अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अभी कोठे पर नहीं कोठी में नजर आती। चलो इतने रुपए ना सही, कुछ तो बचा कर रखा ही होगा। कुछ तो बचा कर रखना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में सितारा बाई की तरह पानी लगाते रहना पड़ेगा। निरंजन बाबू का पैगाम है कि वो वापस अपने गांव चले गए। उन्होंने और कुछ कहा? जी और कुछ नहीं कहा। आप कौन है? आप मेरे बारे में ना ही जाने तो बेहतर है। आदाब। अगर 10 लाख रुपए देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू आज हमें इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते। पिताजी, कल मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस तरह नहीं जाते बेटी, वरना लोग ये भी कहेंगे कि बेटी हमें बोझ लगने लगी इसलिए हमने उसे फौरन पीछे पीछे भेज दिया। लोगों का काम है शादी में शामिल होना, लेकिन रिश्तों को निभाने का काम हमारा होता है। तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे अच्छी तुम बहू हो।
तुम बार बार यह एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी औलाद को पाकर ये दीवान कंगाल नहीं रहा, धनवान बन गया है। नेहा, पिताजी का ख्याल रखना। दीदी, आप ससुराल नहीं गई? कोई आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठा के उठल्लू की तरह ससुराल चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। पर हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें ये बोझ लगेगी? क्यों भाभी, आपको कोई पहुँचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई, खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। अरे ये क्या बहुरानी, अरे इस घर में खुद का बोझ उठाना मुश्किल है, ऊपर से तुम ये बोझ उठा रही हो। नहीं नहीं बने मियाँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ क्या इस बोझ को उठाने को? आओ। छोटे चौधरी, बहुरानी आई है। आप इस तरह अचानक हमें छोड़ के चले आए, मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी। पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? डैडी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बता ही दी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूँगा। तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? नहीं, हम कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पर हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। बहू जी, कल्पिता के सर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी हाँ। सुना तुमने, तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया, चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवान साहब का समधी बनने का है? अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? अरे हो सकता है बहू कुछ शुभ समाचार लाई हो। शुभ समाचार लाती ना तो निरंजन उसके कमरे से गुस्से से बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया है। बाहू भी सूट नहीं कर रही है, उसका क्या करें? बाहू और पत्थर में बहुत फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है लेकिन बाहू? वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे? अरे पानी भी बूंद बूंद गिरे ना तो पत्थर कट जाता है, और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है, पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी।
बिल्लू भैया आया बहुरानी। बड़ा दुख देना बोलिए। आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अच्छा खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो बेटा ये लीजिए। अरे भैया को भी दो ना सब्जी। ये ले बेटा। ये लो बेटा। अरे अरे इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया। अरे बहू तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं बहुत ज्यादा हो गया। पानी दे छोटी, पानी दे जल्दी। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। सब तुम्हारा ही किया धरा है, भोगो आप। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती हैं। माँ जी मैं फिर से खाना बना दूँ? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे। तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी याद रहे मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। पर आई झर झर बहती है सुवन का रोए बाबू मोरे छोड़ चली मैं अपना दैया। बेचारे के हाथन की मेहंदी तक नहीं छूटी है और इतना ढेर सारा काम। बाप रे बाप इतने बर्तन। आओ लगता है चौधरायन ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर ही मंगा लिए। क्यों हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या? वैसे भी अपना काम खुद ही करना चाहिए। काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो मेरे घर के मामले में टांग अड़ाई तो समझे। अरे इतने बर्तन। जाओ चलो यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। बड़े आए थे उसके हम दर्द बन के। लेकिन एक बात तो है मम्मी। क्या? तुमने बेचारे को कुछ ज्यादा ही बर्तन दे दिए हैं। अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर घिसती रहे। वैसे भी निरंजन रात भर आने वाला नहीं है। वो कहाँ गए हैं? बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा। इसी महारानी की वजह से तो सारा मामला खराब हुआ है। मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लौटेगा। माँ खाना तैयार है। अच्छा चल। माँ उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। हाँ अरे तो क्या इसे फेंकेगी? इन्हें बुरा लग रहा है ना, तो डाल दे इनकी थाली में। घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर क्यों आ जाती है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं। हाँ हाँ वो क्यों नहीं खा सकती, वो तो है ही जूठन खाने लायक। हाँ उसके लिए रख दे, बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी, तब ये घर भी जल्दी से छोड़ देगी। Thank you.
माँ जी, मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। कहो। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी तो आप ये गलत सोच रही हैं। एक बात याद रखिए, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकालकर फेंक दी जाए। मैं इस घर की दीवार या छत भी नहीं जो तोड़कर नई बना ली जाए। माँ जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ जो इस घर से कभी अलग नहीं की जा सकती। देखा देखा कैसे मुंह पर चोट करके चली गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे ना उसे देखने और आकर बोले साक्षात सरस्वती है। अभी का रूप देखा, दुर्गा लग रही थी। अब तो इसे निरंजन से ही ठीक कराना होगा। जी।
मैंने खून नहीं किया। जब मैं अंदर गया तो उसका खून हो चुका था। यह सच है कि मैं मीना भाई के कोठे पे गया था। यह गलती मैंने जरूर की, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने उसका खून नहीं किया। नहीं किया मैंने उसका खून। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मैं मरना नहीं चाहता। चलिए मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। पूजा, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता पूजा। मैं मरना नहीं चाहता पूजा। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहूं तो आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता। आइए 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 आइए। आप वकील हैं? जी नहीं। जज हैं? नहीं। फिर कौन है आप? अजी, तुम्हें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से? आप कोई भी हो, अगर आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं तो बचा ले। उसके लिए आप जो मांगेंगे हम देंगे। सोच लीजिए, हम कीमत कुछ ज्यादा ही मांगने वाले हैं। जरूर देंगे। बोलिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद? बोलिए बोलिए। मुझे एक रात के लिए आपकी बहू चाहिए। क्या? एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश से भारी और कोई चीज नहीं होती। अपने इन हाथों की ताकत को संभाल कर रखिए, वरना अपने बेटे की लाश कैसे उठा पाएंगे? अब तो इन कांधों पर शॉल भी नहीं रख पाते, फिर बेटे की अर्थी कैसे रख पाएंगे? वैसे फांसी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, सिर्फ गर्दन जरा सी लंबी हो जाती है और जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है चौधरी साहब, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कफन और लकड़ियां तो आप खुद बेचते हैं। अगर आप अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। और याद रखिएगा, परसों अदालत का फैसला है और कल की रात हमारे और आपके फैसले की रात होगी। मेरे बेटे को बचा ले, वही तो मेरे कुल का दीपक है, हमारी बुढ़ापे का सहारा। वो नहीं रहा तो क्या रह जाएगा हमारे पास? हमें इतनी बड़ी सजा मत दे। चौधरी जी, आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप जरा ख्याल कीजिए वरना मर जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। मुझसे भी निरंजन की लाश देखी नहीं जाएगी, उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। माँ, अब तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है। तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है माँ। पूजा, अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम अपनी इज्जत की बलि चढ़ा दो। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। सोच लो, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपने पति की जान?
इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। तो फिर अपनी इज्जत संभाल के रख, मत जाने दे अपने पति को। लेकिन याद रखना, जान भी एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। ये भी याद रख, निरंजन की मौत के बाद इस खानदान से जितनी भी लाशें उठेंगी उसकी जिम्मेदार भी तू होगी। सारी बर्बादी तुम्हारे हिस्से में लिख दी जाएगी। भूल गई वो कसमें जो तुमने फेरे लेते वक्त खाई थी? भूल गई? वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला करो तुम्हें क्या चाहिए। इज्जत या सुहाग? 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 जिस आग में चलने गई है ना, सी आग में भस्म कर दो। टूट न जाए चूड़ियां इसकी, मांग न सोनी हो जाए, अपना धर्म निभाने को चुपचाप चली है ये हाए। मेहंदी की लाली का नारी कैसा मोल चुकाती था कि आप आए और आप आ गई। इस तरह से मेरी तो जीत हुई। मर्द की जीत तब होती है जब उसकी मर्दानगी की जीत हो। अगर मैं आपको बहुत पसंद आ गई थी तो मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर देती कि मैं आपके पास भागी चली आती, तब आपकी मर्दानगी की जीत थी। लेकिन ये क्या, किसी को सफेद कफन पहनाकर अपने पास बुला लिया, ये आपकी मर्दानगी की हार है। ये आप मेरा ये एल्बम देखिए, मैं अभी आता हूं।
सुनिए चलिए बाहर आपका टांगा खड़ा है। देखिए आप यहां से बाइज्जत जा रहे हैं और कल निरंजन भी अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? जाइए। लग रही है, नहा धोकर आई होगी। मेहंदी टूटी पिसी छनी घुली रची तब रंग लाल हुआ औरत का भी इस दुनिया में मेहंदी जैसा हाल हुआ मेहंदी जैसा हाल हुआ संदीप गवाह और पाए गए सबूतों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि निरंजन चौधरी बेगुनाह है, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और सितारा पर जोहरा बाई के खून का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। कौन था वो आदमी? कौन? वही जिसके पास तो एक रात के लिए गई थी। टुकुर टुकुर अब देख क्या रही? गई थी या नहीं बोल। हाँ गई थी। इसे शर्म क्या आएगी? अरे वैश्या भी बाजार में निकलती है ना तो चेहरे को आंचल से ढक लेती है, पर ये तो ऐसे गर्दन उठाकर चल रही थी
जैसे कोई किला फतह करने जा रही हो। मैंने जो कुछ किया इस घर को और आपको बचाने के लिए किया, इसलिए भगवान को तरस आ गया और मेरी इज्जत लुटने से बच गई। ये उसके घर रात भर रही और उसने इसे छुआ तक नहीं। अरे अगर वो इतना ही दूध का धुला था तो रात को ही तुझे अपने घर क्यों बुलाया? ये मुझे मालूम नहीं। और तू उसे कब से जानती है? मैंने उसे पहले देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? कोई आदमी रात के अंधेरे में घर आकर ऐसे ही कह देगा कि मुझे आपकी बहू चाहिए, जब तक कोई पुरानी जान पहचान ना हो? और हमसे बिना पूछे ऐसे ही चली गई उसके पास गुलछर्रे उड़ाने के लिए? यकीन मानिए मैं पवित्र हूँ। झूठ बोलती है तू। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी नाजायज है? खबरदार जो मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो। आप जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो नाजायज है। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरंजन का है? हाँ हाँ दे सबूत। अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है, तो क्या आप सबूत दे सकेंगी? आप दे सकेंगी? दुनिया की कोई भी माँ इसका सबूत नहीं दे सकती, तो फिर मुझसे ही क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है? इसलिए कि तू यहाँ से रात भर गायब थी। हमने तो कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया। आप ही कहिए, कौन विश्वास करेगा कि कोई रात भर काजल की कोठरी में रहे और उसे जरा भी कालिख ना लगे? मान लीजिए कि मैंने पाप किया है, लेकिन क्या ये पाप पुण्य से अच्छा नहीं जिससे मेरे पति की जान बच गई? उड़ानी के जिससे मैं उड़ के गई थी, वहां लौट कर तो नहाना था मैंने। हंसा दी है मेहंदी, रुला दी है मेहंदी, बनाती है मेहंदी, मिटाती है मेहंदी, बनाती है मेहंदी, मिटाती है मेहंदी। आपने कहा था ना पिताजी कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। अच्छी बहू तो वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस लौटती है। मेरी तरफ देखिए, ये लाश बिना अर्थी के ही वापस चली आई। पूजा, पूजा बेटी। सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन पूजा खतरे से बाहर है। वो अभी बेहोश है, घबराने की कोई बात नहीं। अजी कहना क्या है, सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि बात पक्की हो गई है। ये किसका चुकन जा रहा है? मालूम नहीं, निरंजन बाबू की शादी तय हो चुकी है। मैं इन्हें 5 लाख कैश दिला रहा हूँ, जेवर और सामान 2 लाख का ऊपर से। हाँ, अरे आपका संदेह कौन है, जरा ये भी तो बता दीजिए सासू जी। शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ सूरजमल 10 जुलाई को बारात यहाँ से जाएगी। चलो उठो जी, आजा बेटे निरंजन, आओ पंडित जी। अरे चलो लड़कियों। लगता है मैं किसी शुभ घड़ी में आया हूँ। शायद वंदना बेटी का शगुन जा रहा है? जी नहीं, ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है। रास्ते से हट जाएं, शगुन को जाने दें। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज आपके सामने सर झुका रहा हूं और अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं। अंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं होती। जैसे अत्तर को रुई में भिगोकर कान में खोस लिया जाता है ना, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस लें। आपकी पूजा मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर कफन छोटा पड़ जाए और लकड़ियाँ कम हो जाए तो किसी को भी भिजवा दीजिएगा, दान में दे दूंगा। चलो जी, आओ बेटे आओ। जाओ बेटे, जाओ। बन्ने चलो।
मैं पूजा को उस घर में रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, नेहा भी मेरे साथ रहेगी और मेरी सेवा करेगी। इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी, मेरी बीवी और रखेल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता कहूं या सुवर। तुम तवायफ के कोठे पे जाते तो हो ना, वहां एक कोना है जहां लोग बरसों से पान खाकर थूकते हैं। तुम उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो, थूकने के लायक भी नहीं। आज हमें पहली बार बेटी का बाप होने की सजा मिली है। जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं ना, तो आसमान भी इंतकाम लेने की कसम खा लेता है। चलो बेटी। पुजारी जी, आज अदालत में तलाक का केस है, वहां बहू रानी पर जी भरकर कीचड़ उछाला जाएगा। बेचारे शरीफ लोग हैं, उनकी इज्जत की तो। मुसीबत में शरीफों की कभी इज्जत नहीं घटती, जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती। मिलॉर्ड, एक औरत जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वो अर्धांगनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग। और जब किसी इंसान के आधे अंग पर कोढ़ हो जाए या सड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन आपका कानून उसे बचा सकता है, उसे उसकी धर्मपत्नी से तलाक दिलाकर। मिलॉर्ड, निरंजन चौधरी की धर्मपत्नी पूजा धर्म और पत्नी दोनों के ही नाम पर कलंक है। ऐसी औरत छूत की बीमारी की तरह होती है, जैसे सांप। जीती जागती मौत है वो, और यही वजह है कि मैं अदालत से निरंजन चौधरी के लिए जीवन दान चाहता हूं। और यह तभी मुमकिन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए। मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस केस की कार्रवाई शुरू हो, मुझे इस अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। निरंजन चौधरी को पूजा से तलाक चाहिए। हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने मेहंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि ये केस यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुलसी का पौधा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो, लेकिन उसे इस हालत पर न पहुंचा दो कि वो न पूजने के लायक रहे और न जीने के। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं, रही तलाक की बात तो वो हम कोर्ट से ले लेंगे। मिलॉर्ड, ये पूजा से सिर्फ तलाक ही नहीं, भरी अदालत में उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल कर उससे जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं, और ये इजाजत मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा। आप कानून के साथ खेल रहे हैं, आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे कानून की नहीं, अपनी औलाद की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? वकील साहब, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। खुद जज साहब इस बात की गवाही देने वाले हैं कि दीवान साहब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुश चौधरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, अंकुश साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये तो सब प्रभु की लीला है। लोग कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, अब बेचारे पूजा को ही ले लो ना। पहले उसके पेट का बच्चा मरा, फिर उसका तलाक हुआ, और अब बेचारी के पिताजी गुजर गए। ये देखो, ये दुल्हन की साड़ी है। ये रहे दुल्हन के गहने। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है,
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। वचनों को जरूर निभाना, जो इसे नहीं निभाता ना वो पाप का भागीदार बन जाता है। मेरा पति पापी है, राक्षस है। मेरे सास ससुर श्राप है, अभिशाप है। की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। मैं उस घर को बांझ बना दूंगी जहां अब कोई खुशी जन्म नहीं लेगी। माँ दुर्गे का रूप धरूंगी। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं तो मर चुकी हूँ, मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगी। मुझे 40 किलो लकड़ी चाहिए। अपने लिए? हाँ। छत बनाने के लिए कि जलाने के लिए? जलाने के लिए। आओ, अपनी चिता जलाने के लिए पहले से ही लकड़ियाँ इकट्ठी कर। अबे ओ, मुंह संभाल के बात कर। अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। अभी 2 साल पहले मेरे बाप ने दूसरी शादी की है। आओ, फिर तो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। कहाँ मिलेंगे वो? वो अपने बाप से मिलने गए हैं। हाँ, यानी कि उनके बाप भी जिंदा है। लगता है कि पूरे खानदान ने आबे हयात पी रखी है। ये पंडित जी आजकल शादी कराने का धंधा बंद कर दिया क्या? अरे उन कमीनों के चक्कर में तो मैं पिटते पिटते बचा हूँ। क्या? चलो चलो लकड़ी वजन करो। अरे ये तो लोगे कैसे, वजन कहाँ है? तुम्हारे बाप दादा की तरह चलता फिरता वजन है मेरे पास, दिखाऊं तेरे को? ये बताओ तुम इन्हें वजन की जगह क्यों इस्तेमाल करते हो? ये लोगा रात भर जागते रहते हैं, दिन भर काम करेंगे ना तो थककर जल्दी सो जाएंगे और फिर उसके बाद
मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कहाँ वो पोटे? उनसे बहुत वजन उठाने को लगा है क्या? वो छोटे बच्चे हैं, उनसे इतना काम न को ले कि उनका कचूमर निकल जाए। पोटे सचमुच सो गए? जाके खुद ही देख लो। एक मिनट देख कर आता हूँ। सोना नहीं, मेरी शब्बो, मेरी भागमती, मेरी लाड बाजार, मेरी चूड़ियों की दुकान। सच्ची? तो ऐसा पहले काय को नहीं बोले? इससे पहले ये घर हैदराबाद का चिड़िया घर दिखता था, लेकिन आज आगरे का ताजमहल लग रहा है। शब्बो बन्ने, मेरा दिल कर रहा है कि तुमको। नहीं, हाथ नको लगाओ मुझको। काय को? आज मैं मजबूर हूँ, आज नको। नको 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 करो जी, हाउ 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 करो जी, मुझे अतीम पर रहम खाओ, खुदा तुमको फल देगा। आओ आओ। समझ गए ना? और अभी भी नहीं समझे तो कहो, कान में बोलू। नको नको, कान में नको नको, समझ गया। इसका मतलब आज भी हाउ हाउ? मेरा क्या नसीब रे, मैंने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई, और उधर छोटे चौधरी को देखो, एक शादी के बाद दूसरी शादी का शगुन लेकर जाने वाला है। अभी वो हल्दी भी मजे से लगा रहा होगा साला। ये रही वो जेवरों की लिस्ट जो दीवान साहब ने दिए थे, और साथ में मांग टीका भी है जो इनकी बहन से जबरदस्ती छीन लिया गया था। अगर आप लोगों की बेईमानी की नियत नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द लौटा दें, वरना हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने दिया ही क्या है, जो भी दिया है हम सब लौटा देंगे। वैसे भी भिखारियों की हम कोई चीज नहीं रखते, भिखारी तो खाली हाथ भीख मांगते हैं, मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरी की तरह आगे बढ़ाते हो और भीख मंगवाते हो। दे दे बाबा, बेटे के नाम पे। आप लोग तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हैं, लानत है आप सब पर। चलिए वकील साहब। जाते जाते एक बात सुन लो, आज तुम्हारे बाप के मर्डर केस की तारीख है, मैं कोर्ट भी जाऊंगा और वहां से बाइज्जत रिहा भी हो जाऊंगा। आगे के लिए इतना याद रखना, अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले तो दीवान साहब की तरह तुम दोनों को भी खून से नहलाकर दुल्हन बना दूंगा। ये द्वार पे खड़े हैं और इन्हें हमने द्वार छिकाई नहीं दी, इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं। लीजिए द्वार छिकाई। पिताजी,
आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ वो सब यही हुआ, जज साहब आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है? जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल ना सके वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं है? You shut up! आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात पिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। बहुत बोली, अब आगे बोली ना तो। बस बस रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना। ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। आइए आइए। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। Thank you.
क्या मत मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। बहन और भाई लगते हैं मुझे कसाई हो, क्या ये प्रेम की बत्ती जलने देंगे के नहीं, हरि बोल शब्बो बोल संगम होगा के नहीं। बच्चा जहर लगे, बच्चा बच्चा जहर लगे, लाई है दहेज में इन्हें, कहे तू बापू के घर से। ओ इन ससुरों को देखा तो ऐसा लगा, इन ससुरों के हार जैसे, रावण के रूप जैसे, नीम का सूप जैसे, दुश्मन ने दी हो कोई बदुआ। Oh!
नमस्ते सेठ जी, आप अंकुश चौधरी के श्राद्ध में नहीं आए? मैं खूनियों और बदमाशों के श्राद्ध में नहीं जाता। तब तो बहुत अच्छा किया आपने, अब जो होना था वो हो चुका, अब जो होना है वो हो जाना चाहिए। शादी की नई तारीख निकलवा लें? ये शादी अब नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सेठ जी, शादी की तैयारी में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ऊपर से जात बिरादरी में नाक कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे पंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल समझा था, लेकिन अब पता चला कि तुम गटर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से भी साफ नहीं होता। चले जाओ यहां से। आ जाओ मिलक प्याले प्याले बच्चों। अच्छा अच्छा, पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रहीम चाचा, रहीम चाचा की ये बच्चों को सर आइसक्रीम खिला देने चाहिए, ये बहुत जिद कर रहे हैं। जाओ बेटे जाओ। चलो सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं। हम कहीं और मिलेंगे। देखो, पूरे एक महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं, आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है। जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ, वही शक आपकी पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाए थे और ना आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई, उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। याद रखना, अगर तुमने मेरे परिवार में जरा भी जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। खुद तो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया, और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह कांप गए और रिवॉल्वर निकाल लिया। चलाइए गोली, चलाइए। गोलियों से ना तो कहानी खत्म होती है और ना ही पाप मिटता है। बहादुर हो, तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? जिस औरत का न भाई हो, न बाप, न शौहर, न समाज, वो औरत औरत नहीं रहती, लाश बन जाती है, और लाश गोलियों से नहीं डरती। और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था। फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? मेरी एक बहन थी राधिका, वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन निरंजन ने उसे ठुकरा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। बात यह है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। मैंने अपनी बहन की चिता पर कसम खाई थी कि मैं निरंजन को कभी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बदचलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया। मैं एक बहू नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। मिस्टर राजेश्वर, तुम एक बेटी, एक बहू और एक माँ, तीनों के मुजरिम हो। सचमुच
बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूं वो और किस किस को जलाएगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पूजा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूं, और इस बार अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा। रामोतार की बीवी खेतों पर काम कर रही है। क्या? चल मैं मिलो। तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे खेत से। ये तो हमारा खेत है चौधरी जी। अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है। राम अवतार ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो सूद समेत 50,000 रुपए हो गए थे। ये कर चुकाने के लिए राम अवतार ने मरने से पहले सारा खेत मेरे नाम कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए मुखिया जी, ये देखिए राम अवतार के अंगूठे का निशान देखिए। हाँ भाई, कागजात तो पक्के। हाँ बिलो, निकाल इसे। अरे निकाल। ए चलो निकलो, भागो। निकाल दिया। चौधरी, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि राम अवतार जी की तो तुमसे पटती भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आता था। मतलब आता नहीं था, फिर उसने कर्जा कभी लिया तुमसे, और वो कागजात पर निशान कब लगाया? बीच में मत बोल। कमाल है, और बनने में अभी बीच में बोलते हैं, मगर आप उन्हें कुछ नहीं डांटते। हाँ हाँ, नहीं डांटता इसलिए कि वो मर्द है। तू मर्द है क्या मुखिया जी? साले को क्या मालूम कि राम अवतार एक इज्जतदार आदमी था, और हर इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने नहीं, हमेशा छुपकर कर्जा लिया करते हैं। क्यों मुखिया जी, जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो हाँ चौधरी साहब सच कह रहे हैं, पंचायती करने आया था। साला इतने भी हमारी बेइज्जती मत कीजिए चौधरी साहब। क्या करेगा क्या करेगा तू? आंख दिखाएगा, दिखाएगा आंख, रीति मत आंख निकालूंगा साले, भाग जा यहां से। कभी मेरी दुकान पर आया तो देखो साईं, अगर 2 दिन के अंदर तुमने फैक्ट्री नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे तुम भी खामखा की धमकी देते रहते हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्ट्री खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे आपका ख्याल गलत है साईं, दूसरा ग्राहक माल के साथ तैयार खड़ा है। वो तो आपसे पहले बात हो गई थी, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, दूसरे ग्राहक से मिलवाऊं, खातिरी कर लो। अरे साईं इधर बाहर आना। ये तो अभी पूरा पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए 2 दिन दे रहा हूँ, और बिजनेस में जबान की बड़ी कीमत होती है। अरे आप दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला। आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साईं, आपको देखते ही निरंजन की आंखों में खून उतर आया था, और उसे देखते ही मुझे अपना खून याद आ गया था। उसका मूड देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वो आपको मार ही डालेगा। ये काम तो वो पहले ही कर चुका है दुदानी, अब तो उसके मरने के दिन है। अब तो उस फैक्ट्री को खरीदना जरूरी हो गया है, वो भी उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है। कौन? वही जिसके पास पूजा गई थी। मैं उसके पास वो फैक्ट्री नहीं जाने दूंगा, ये मेरी मान का सवाल है। तू चिंता क्यों करता है बेटा? अपने बेटे का मान रखने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। ये रहे 10 लाख रुपए, तेरे पिताजी को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैसे निकाले, वरना वो जिंदा ही चिता पर लेट जाएंगे। ये रहे 10 लाख रुपए कैश, और ये रहा बैंक का 20 लाख रुपए का चेक। पेमेंट पूरा हो गया? हो गया साईं, बिल्कुल हो गया, और ये मेरी तरफ से फैक्ट्री के कागज। मिस्टर निरंजन, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई कांग्रेचुलेशन। शट अप। आप ये बताइए कि आप यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं या आंसू पिचवाने? अगर तो आंसू पिचवाने आए हैं
तो ये लीजिए रुमाल, पूछिए आंसू और दफा हो जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जी। मेरी तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, मैं कंगाल हो गया हूँ जी, कंगाल। बस बस, चिंता मत करो। इतना याद रखो मियाँ, चिंता और चिता में एक चिविंदी का फर्क है। अगर आपने इनको 10 लाख रुपया दिलवा कर चिंता से छुटकारा नहीं दिलवाया तो ये चिता पर लेटकर अपनी जान दे दें। मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हों, वरना श्राद्ध भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। जी आप ठीक कह रहे हैं। किसी पे शक? कौन सी मारू? ए बीच की मारना। ओ अरे दो बजा दो, कौन है? जरूर इसने ही चुराई होंगी। ए चल फूट, चल निकाल मेरी गोलियां। नहीं है ना? हाँ बिल्लू, तेरा नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। तो चल। ओ, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए। मैं श्री बाप हूँ, हरामी लगता हूँ ना? हरामी लगता नहीं, हरामी हूँ, बहुत बड़ा हरामी। इसने तो मेरी मार खाता ही, गूंगे भी ठुमरी गाने लगते हैं। चल चल जल्दी से उगल दे, चल चल। दया, कितनी किलो दया चाहिए? और चौधरी साहब, थाने में सर ले आना जरूरी था क्या? तो अपने सर को कहां रखूं? लेकिन सर आप टकले कब से हुए? और चौधरी साहब, ये टकले का सर है ना, गुस्से का स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जिसके 24 बटन आपने दबा दिए हैं। शुक्र करो आप बच गए, क्योंकि आप भी तो टकले हैं ना। लेकिन मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। अब बता, तूने रुपए लिए या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया भगवान की शक्ल, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। निरंजन बाबू, आप यहाँ? जी, आज मेरी फैक्ट्री का मुहूर्त है। तुम यहाँ? मंदिर का द्वार पूजा के लिए खुला रहता है, लेकिन मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। वो घर नहीं, किराए का मकान था मेरे लिए। जब रहने की कीमत नहीं चुका सकी तो निकाल दी गई। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सालों के लिए बनवास का समय आता है और इसे तो काटना ही पड़ता है। ओ, तो तुम यहाँ बनवास काटने आई हो? हाँ। तो काटती रहो, इसलिए कि तुम्हारे बनवास का कोई अंत नहीं होगा। क्या इसलिए कि मेरा राम ही रावण है? मैं किसी का राम नहीं और ना ही राम बनना चाहता हूँ। ये दुनिया राम लीला नहीं, महाभारत है। यहाँ जीतना ही धर्म है और किसी भी कीमत पर जीतो। छोटे चौधरी, किसी भी कीमत पर जीतने वाले अक्सर जीतकर हार जाते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा। आपकी बारात मंडप से वापस आ गई, कल्पिता की साड़ी सफेद हो गई, आपके बाप की पगड़ी उछाली गई, क्या कर लिया आपने? तो तुम यहाँ बनवास काटने नहीं, बदला लेने आई हो। देखता हूँ तुम बदला कैसे लेती हो। पाप का घड़ा अगर भर गया हो तो उसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घड़ा खुद ही फूट जाता है। छोटे चौधरी, औरत जब तक रोती है तभी तक कमजोर होती है।
मेरा सपना पूरा हो गया। ये सपना कभी पूरा नहीं होता अगर मेरी माँ ने मेरा साथ ना दिया होता। बेकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मैंने किया ही क्या, बस चौधरी जी की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकाल कर इसको दे दिए और क्या किया। आप लोग भी कमाल करते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे की चोरी करते हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवा कर बेचारे बिल्लू को बिठवा दिया। जानते हैं आप लोगों पर उल्टा केस चलेगा और तो और पुलिस भी आप पर चार्ज लगाएगी। अब तो सिर्फ आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है। ये क्या है? आप ही ने कहा था ना कि अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। हाँ, मैंने कहा था। असली है, आपको भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। आपको भी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। वो तो है। अच्छा तो हम चलते हैं। जैन जैन जैन। मुखिया जी, मेरे बेटे बिल्लू को बचा लीजिए। अब तो आपको भी मालूम हो चुका है कि वो चोर नहीं। जब चाहे पुलिस से किसी को बेइज्जत करवा के पिटवा दे, ये तो सरासर जुल्म है। मुखिया जी, आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा। यहाँ की पंचायत जब यहाँ की माओ को, यहाँ के बेटों को, यहाँ की बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकी तो आपको क्या इंसाफ दे पाएगी? बताइए मुखिया जी, चौधरी परिवार के ताल पर यहाँ का समाज कब तक ठुमके लगाता रहेगा, कब तक? ए मुखिया, तुम लोगों ने गांव में ये पंचायती विचायती क्या लगा रखी है? चलो फूटो यहाँ से। अदब से बात कीजिए, ये कोई बाई का कोठा नहीं, गांव की पंचायत है। कौन हो तुम? फिलहाल सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। ये जानते हुए भी कि निरंजन चौधरी ने अपनी माँ के साथ मिलके चौधरी जी के 10 लाख रुपए निकाले थे और उन्हीं रुपयों से फैक्ट्री खरीदी थी, ये जानने के बाद भी आपने उन्हें दोषी नहीं माना, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और निर्दोष बिल्लू को मार पीट कर हवालात में बंद कर दिया? इसलिए कि उनके खिलाफ किसी ने कम्प्लेन नहीं लिखवाई तो मैं एक्शन कैसे लेता? मैं लिखाती हूँ कम्प्लेन, लिखिए। ऐसी कम्प्लेन मैं नहीं लिखता, थाने में जाकर हवलदार को लिखवा दो। ये कम्प्लेन तो आप ही को लिखनी पड़ेगी और अभी। तुम कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। अब तो हवलदार हमारी कम्प्लेन नहीं लिखेगा। तब तो मुझे ही मजबूर होकर लिखना पड़ेगा। अंडर अरेस्ट, गांव वालों का प्रेशर है, एक दिन के लिए आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कैसी लगी नई ससुराल? सिगरेट जला लीजिए, थोड़ी शांति मिल जाएगी। निरंजन बाबू, आपने जो आग लगाई है वो फूंक मारने से नहीं बुझने वाली। बोल ले जो बोलना है, आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। वक्त आएगा? आप तो कहते थे कि वक्त आता नहीं, लाया जाता है। लगता है अंदर से बहुत टूट गए हैं छोटे चौधरी। चाहे जितना भी टूट जाऊं, जमानत पर तो छूट ही जाऊंगा, फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझाकर मुझे जरूर शांति मिलेगी। एक बात याद रखिए छोटे चौधरी, जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता, जो खेलते हैं वो अनाड़ी होते हैं और जो अनाड़ी होते हैं वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या पानी लाऊं आपके लिए एक ग्लास? चुप! अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भगवान करे मरने के बाद उसके मुंह में आग देने वाला कोई ना हो, उसकी लाश को चील कौवे कुत्ते नोच नोच के खा जाए, खच खच कीड़े लगे उसको। अरे घबरा मत भागवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा खाक, सामने उस मनुष्य का चेहरा जो नजर आ गया। अरे सब इसी का किया कराया है, इंस्पेक्टर के अंदर इसी ने जहर भरा होगा। जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ आंसू हुआ करते हैं। कमीनी! वैसे तो कहने को है ये
राम कहानी पर हर एक लड़की को लगेगी ये जानी पहचानी। देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है, देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है, कहते हैं लोग के दाल में है काला, लेकिन यहाँ तो पूरा घोटाला, सारी की सारी ही काली ये दाल है, ये मेरी ससुराल है, ये मेरी ससुराल है, ये मेरी ससुराल है। अरे लड़के की शादी में भंगड़ा पाए करे हंगामा, हाँ धीरे धीरे होता शुरू फिर इनका असली ड्रामा, मिलता है सड़ा हुआ माल, और करते हैं लड़की का जीना ये मुहाल, ये खोटे कर्म है करते नहीं भगवान से डरते, बारी बरसी कटन गया सी कटके ले आया गया सी हटके ले आया घास, किन्ना चंगा होंदा जे मां वर्गी होंदी सास, देख मैं झूठ बोलया देख मैं कुफर तोलया देख मैं जहर घोलया, कोई ना भी कम नहीं रखती भर ये दुर्योधन की तरह है, बेटे की जान बचाने को बहू का दांव लगाते हैं, इन्हें ये खबर नहीं है कि ये कितने पाप कमाते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल
कमीना बनने में कैसा नमक हराम निकला, जाके पूजा से मिल गए। आज कोई काम करने वाली भी नहीं आई मरने के लिए। अरे नहीं आई तो क्या हुआ, हम कोई लंगड़े लूले थोड़ी है। कल्पिता जा तू ही वो बर्तन धो डाल। अरे नहीं 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 नहीं, चुप हो जा चुप हो जा। देखो रमा सुबह से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा 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 चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। कल्पिता अरे कल्पिता बाजी भी खा। चौधराइन ई उमर मा अकेले ही बर्तन धोने बैठ गए। अफसोस पर तुम कर भी का सकती हो, तुम्हारे घर में गंदा बर्तन भी तो बहुत है। एक बात कहते हैं चौधराइन, वह इससे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से का होवत है, सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी बड़ी बढ़िया आती है, है ना चौधराइन। अच्छा अब चलते हैं। ससुरी कुतरी की पिताजी। बोल। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। अकल देर से आई, जा जल्दी जा। पर खाली हाथ कैसे जाऊँ? अरे भीख मांगती जा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है, अब तुझे कहाँ से दूँ? सुबह से चौधराइन ने कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है। ये लो सेठ जी खीर। खुशबू तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये ले लो पिताजी। खीर तो बहुत अच्छी है। किसने भेजी इतनी सारी खीर? आपकी बहू ने। तू झूठ बोल रहा है। वो क्या है कि बहू रानी दूध खरीद कर बोली कि बनने में आ इसकी खीर बना दो, लेकिन एक कुत्ता ना जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पेशाब कर दिया। मैंने उससे पूछा कि इस दूध का क्या करूं, बोली दूध को बर्बाद नको करो, इसकी खीर बनवा कर ससुर जी को भिजवा दो। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या इसमें कुत्ते का पेशाब है? हाँ। ये क्या किया आपने? अब क्या हुआ? इस हांडी में मेरी छोटी सारी पेशाब करती थी। क्या? निकल जा मेरी दुकान से। हट हट हट। चौधराइन 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 मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा? यहाँ बर्तन कौन धोता? तो माँ बेटे की वजह से तो यह हाल हुआ है कि आज गांव का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तैयार नहीं है। अब भगो बेटा मेरे लाल। रोमा चौधराइन, कुत्ते आपस में रोटी के लिए झगड़ा करते हैं, आदमी तब झगड़ा करता है जब वो हार जाता है, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हारी हुई बाजी को जीत कर दिखला दूंगा चौधराइन। हाँ गलतियां तो इंसान से हो ही जाती, मेरे परिवार वालों से भी गलतियां हुई हैं, सो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से क्या होगा, बिल्लू तो अभी तक जेल में है। वो आज रिहा हो जाएगा, मैंने अपना केस वापस ले लिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया चौधरी साहब। हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं और मेरे परिवार वाले ड्रामे में हिस्सा लेंगे। चांद 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 सज्जनों, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय आ गया है, आज हम द्रौपदी चीरहरण का ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो तुम्हें रिहा किया जाता है।
सर वो जा रहा है, जरा उससे प्यार से बात कर लीजिए। तुम फिर वही राग अलापने लगे। सर आप भूलिए मत कि आपका नाम भीष्म है और वो एक छक्का। मैं दुर्योधन हूँ, दुर्योधन। मैं कोई भी बाजी नहीं हारता। तुम लोग द्रौपदी को भली भांति पहचानते हो? हाँ भ्राता श्री, वही मनमोहनी गजगामनी मृगनैनी जसवंती और लाजवंती है। जाओ उसी द्रौपदी को शीघ्र ही प्रस्तुत करो। जो आज्ञा भ्राता श्री। अन्याय, ये घोर अन्याय है महाराज। आपको कुछ दिखाई दे रहा है महारानी? महाराज, माँ को वैसे भी बेटे की बुराई दिखाई नहीं देती। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुशासन, तुम शिथिल क्यों पड़ गए हो? जाओ आगे बढ़ो। देखते क्या हो, यही उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो। इतिहास साक्षी है, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। ये घोर अन्याय है। अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीष्म पितामह। दुशासन, कहीं ऐसा ना हो कि शिकार हाथ से निकल जाए, वरना कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह जाओगे। जिस कहानी का आरंभ किया है उसका अंत भी कर डालो। देखते क्या हो, उसके लंबे केश पकड़ लो, झटका देकर जमीन पर गिरा दो। सब भूल जाओ, सिर्फ वो क्षण याद रखो जब अपमान की धधकती हुई ज्वाला में तुम चले थे। इसका सारा गर्व दर्पण की तरह चूर चूर कर दो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। महाराज, महाराज घोर अन्याय। अन्याय कैसा, बड़ों की सजा छोटों को भुगतनी ही पड़ती है। इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात नहीं है, लगता है मेरी बेटी भूत से डर गई है। हाँ। आप चलिए, मैं बाद में मिले आऊंगा। आइएगा जरूर। जी जी, चलो। भूत भूत का तो एक बहाना है, मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। तू थी वहाँ? तूने कुछ देखा क्या? जब नहीं देखा तो कैसे बोल दिया कि उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया? खबरदार, जो ऐसी बात अपनी जबान से निकाली तो मुखिया की बीवी होगी तो अपने घर में मैं तेरी जबान खींच लूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा चौधरायन तुमने। अरे मौसी, जब तू वहाँ थी ही नहीं तो तुझे कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? हाँ बहुत गलत बात करते हो तुम लोग। लेकिन चौधरायन, जब तुहार बहू वो आदमी का घर में गई थी तब तुम भी तो वहाँ नहीं थी, फिर तुमको कैसे पता चला कि उनकी इज्जत चली गई? चौधरायन, ये बात ठीक नहीं है। अपनी औलाद के किए पर तो मखमल का पर्दा, और दूसरे की औलाद अगर हीरा भी है तो उसे बेकार कचरा कहकर पूरे गांव में दुनिया में ढंडोरा पीटना। मैं अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करवाता हूँ। मैंने भी कसम खाई है कि बिल्लू की लाश देखने के बाद ही वंदना का चेहरा देखूंगा। सारे फसाद की जड़ तो है ये। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों चली आती है? इसलिए कि तुम्हारा ही फैसला था, नाटक द्रौपदी चीरहरण करेंगे। हो गया ना चीरहरण, और रोल भी करेंगे अंधे धृतराष्ट्र का। मैं पूछती हूँ, कुछ करोगे या अंधे बने रहोगे? अरे कुछ करना है, इसलिए तो उनके पास आया हूँ। अरे ये क्या करेंगे, इनका तो हमसे ज्यादा बुरा हाल है। मेरा बुरा हाल है वो कैसे? अरे मेरी बेटी का चीर हरण तो एक छक्के ने किया, मगर इनका चीर हरण तो एक दो टके की छोकरी ने किया, वो भी पूरे गाँव वालों के सामने, जबकि पुलिस की वर्दी भी पहने हुए थे। राम राम राम, उसने थप्पड़ भी मारा तो बहुत जोर का। मेरा नाम भी भीष्म है,
उसी दिन मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं भी उससे बहुत ही भयानक बदला लूंगा। थानेदार साहब, बदला तो हमें भी लेना है उससे, और ऐसा बदला जिसमें आग भी होगी और धुआं भी। आप चिंता मत कीजिए। तो फिर आप बिल्लू की चिंता छोड़ दें, मैं उस साले को टपका डालूंगा। जब दुश्मन का बंटवारा हो ही गया तो जल्दी से उनका निपटारा भी कर देना चाहिए। वो साला छक्का है कहाँ? शाम को पूजा की छोटी बहन नेहा की मंगनी है, वो वही मटक। सर, आप भूल गए कि आपका नाम भीष्म है, और आप ये भी भूल गए कि महाभारत में भीष्म की मौत की वजह क्या थी। सर, भूल जाइए उस छक्के बिल्लू को और चलिए वापस थाने चलते हैं। सर, साले तू बिल्लू के बारे में तो ऐसा बोल रहा है जैसे वो एक छक्का नहीं कोई सुपरिटेंडेंट और पुलिस है। चल उतार। नहीं सर। उतार। नहीं सर। उतार। सर, रुक जाइए सर, लगता है इनकी मौत का समय आ गया। कबाब में हड्डा कहाँ से आ गया? बंद करो ये सब। काहे को बंद करे? अरे शादी ब्याह में आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या मातम करेगा? ए चंपा, चल बजारी बजा। ज्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। अब चल। देखो जी, धक्का मारो या मुक्का, जब तक कि पूजा दीदी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, छोड़ दो। तुम्हें पूजा दीदी पर बहुत घमंड है ना? आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है। शकल गौर से देख, यमराज से मिलती है। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा वरना गोली मार दूंगा। जाओ।
तू अभी तक जिंदा है? कमीने, इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। जाने भी दो छोटी चौधरी, बात आगे मत बढ़ाओ वरना ये गांव वाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लौंडा आपका जीजा जी बन गया। हाँ क्या पूजा दीदी, जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। निरंजन बाबू, किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा, जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दो, निरंजन का दोष सिर्फ इतना ही है कि मेरी हर बात मानता रहा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। अब क्यों रो रही है? तू तो नागन है, तो फन मार कर खड़ी हो जा और डस ले मुझे, डस। छोड़ दे मेरी माँ को। मेरी पूजा नहीं, हमें माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे। अब आंसू दिखा रही है? जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था, जब मेरी बहन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त कहाँ गए थे आंसू? कहाँ गई थी तेरी ममता? गिर गिर कितना रंग बदलने वाली औरत। खबरदार छोटे चौधरी, आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। तो ये मामला छोड़ दे ऊपर वाले पर, हमने जैसा किया है वही इंसाफ करेगा। ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा। ये ले चौधरायन, अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं, कुछ झूठा है। कदम कदम पर इस अबला को हर रिश्ते ने लूटा है। मेहंदी टूटी पिसी छनी घोली रची तब रंग लाल हुआ।
का भी इस दुनिया में मेहंदी जैसा हाँ।